दोस्तों, विकास की होड़ में मनुष्य न केवल खुद को अपितु इस प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान समय में इतनी तेजी से मनुष्य वनों को काट रहा है, जिस कारण धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ शतकों में इस संसार का संतुलन ही खो जाएगा, जिससे कि धरती पर और भी अधिक गर्मी बढ़ जाएगी। बात करें अगर भारत की, तो यहाँ पर भी वनों और जंगलों को काटकर नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी ओर भारत में ऐसे भी जगह है जहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे हरी भरे राज्यों के बारे में बताएंगे, जहाँ पर वन और पेड़ पौधों की संख्या काफी अधिक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड। देश के उत्तर भाग में स्थित एक राज्य उत्तराखंड, जिसको पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में हुई थी। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। पहाड़ों की रानी उत्तराखंड भी काफी हरा भरा राज्य है। इसका लगभग 45.43% भाग वनों और पेड़ों से ढका हुआ है। यह भारत का 10वां सबसे हरा भरा राज्य है। सिक्किम। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक पर्वतीय राज्य है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसे प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा सिक्किम बहुत ही हरा भरा राज्य है, जिसका लगभग 47.13% भाग वनों और पेड़ पौधों से लगा हुआ है। यह भारत का 9वां सबसे हरा भरा राज्य है। केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा केरल भारत का एक प्रांत है। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। केरल में बहुत खूबसूरत फ्लोटिंग होटल बने हुए हैं, जो अपनी सुंदरता और बनावट के कारण काफी प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक है, जिस कारण यहाँ के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छे से जानते हैं। केरल का लगभग 52.30% हिस्सा वनों और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जो इसको भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक बनाता है। यह भारत का 8वां सबसे हरा भरा राज्य है। गोवा। दोस्तों, वैसे तो गोवा मशहूर ही अपने समुद्री बीचेस के लिए है। गोवा जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस मौसम में यहाँ बहुताय में पर्यटक आते हैं। जून से सितंबर तक यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण इस मौसम में यहाँ पर्यटक कम ही आते हैं। गोवा मौज मस्ती, घूमने फिरने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। इन सब के बावजूद गोवा का 60.21% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, जिस कारण गोवा भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक माना जाता है। यह भारत का 7वां सबसे हरा भरा राज्य है। त्रिपुरा। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है।
त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। 1956 में यह भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे एक राज्य का दर्जा मिला। हैंडलूम बुनाई त्रिपुरा का मुख्य उद्योग है। त्रिपुरा का आधे से अधिक भाग प्राकृतिक वनों और जंगलों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा का 73.68% भाग वनों और पेड़ पौधों से ढका होने के कारण भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में गिना जाता है। यह भारत का 6वां सबसे हरा भरा राज्य है। नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। असम घाटी के किनारे बसे इस राज्य के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। नागालैंड में 16 जनजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने नागालैंड के कई लोगों को युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा था। इस राज्य का केवल 9% जमीन ही समतल है, बाकी की जमीन पहाड़ी क्षेत्रों वाली है। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड का लगभग 75.33% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। मेघालय। यह भी पूर्वोत्तर में बसा भारत का एक राज्य है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। भारत में ब्रिटिश राज के समय में ब्रिटिश अधिकारी इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते थे। मेघालय में बहुत सी नदियां भी हैं, जिसमें से अधिकांश वर्षा आश्रित और मौसमी हैं। मेघालय में स्थित चेरापूंजी दुनिया का सबसे गीला क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय का लगभग 76.76% हिस्सा वनों और पेड़ पौधों से ढका हुआ है, जिससे कि यह भी भारत के सबसे हरी भरे राज्यों में गिना जाता है। यह भारत का 4था सबसे हरा भरा राज्य है। मणिपुर। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ आभूषणों की भूमि है। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह एक रियासत थी। आजादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं। मणिपुर में तरोताजा करने वाले प्राकृतिक झरने हैं। यहाँ रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं। दुर्लभ वनस्पतियाँ व जीव जंतु भी मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑर्किड फूल की 500 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस राज्य का लगभग 77.69% हिस्सा वनों से ढका हुआ है, जिस कारण यह भारत का 3रा सबसे अधिक हरा भरा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। इसकी राजधानी ईटानगर है, जहां पर मुख्य रूप से हिंदी और असमिया बोली जाती है। अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका हुआ है। यहां के नागरिकों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है। यह राज्य फलों के उत्पादन के लिए भी आदर्श है। पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ के मुख्य उद्योग आरा मिल और प्लाईवुड को कानूनन बंद कर दिया गया। इस राज्य का लगभग 79.96% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, जिस कारण यह भी भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक माना जाता है। यह भारत का 2रा सबसे हरा भरा राज्य है। मिजोरम। दोस्तों, मिजोरम एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह एक पर्वतीय राज्य है, जिसकी राजधानी आइजोल है।
मिजोरम शब्द का स्थानीय मिजो भाषा में अर्थ है पर्वत निवासियों की भूमि। मिजोरम के लगभग 80% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि की मुख्य प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है। मिजोरम का समुचित क्षेत्र अधिसूचित पिछड़ा है। समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वतीय नगर आइजोल मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। बात करें अगर हरियाली की तो यह भारत का सबसे हरा भरा राज्य है। इस राज्य का 86.27% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।